ठीक है। लक लाइन को और क्या क्या बोलते हैं? लक लाइन को बोलते हैं सैटर्न लाइन, ठीक है, भाग्य रेखा, और कुछ बोलते हैं? बहुत लोग इसको धन रेखा बोलते हैं, बिल्कुल नहीं है, दिस इज नॉट धन रेखा, धन रेखा नहीं है ये, धन रेखा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनके पास दो टाइम के खाने का पैसा नहीं है, अगर उनके हाथ में भाग्य रेखा होगी। आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास बहुत धन दौलत होगी, मगर उनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होगी, तो ये धन रेखा नहीं होती है। भाग्य रेखा को आप, आपका क्वेश्चन आएगा सर अगर ये भाग्य रेखा धन रेखा नहीं है तो क्या है? भाग्य रेखा क्या है? आप साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए आप ईस्ट से वेस्ट में साइकिल चला रहे हैं, इधर इस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं और हवा भी इधर बह रही है, तो आपकी साइकिल चलाना आसान हो जाएगा, करेक्ट। मगर हवा इस तरफ बह रही है और आप साइकिल इस तरफ चला रहे हैं तो आपका साइकिल चलाना कठिन हो जाएगा। चला तो लोगे, ऐसा तो नहीं गिर जाओगे, चला लोगे, पर तकलीफ बहुत हो जाएगी, मेहनत बहुत हो जाएगी, करेक्ट। बस वही है, भाग रेखा हाथ में है तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, भाग रेखा नहीं तो जीवन कठिन हो जाता है। भाग रेखा ना होने का मतलब ये नहीं कि आदमी भाग्यहीन है, नो, नॉट एट ऑल। भाग्य रेखा होने का मतलब आदमी भाग्यशाली है, पर भाग्य रेखा ना होने का मतलब आदमी भाग्यहीन है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर? इसको इट इज अ लक लाइन, इट इज अ फेट लाइन, इट इज अ सैटर्न लाइन, ठीक। इट इज अ फेट लाइन, इट इज अ लक लाइन, इट इज अ सैटर्न लाइन। नाउ अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, बिकॉज आई शो यू वन पिक्चर, ओके। व्हेन आई शो यू दैट पिक्चर ना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा इसमें लिखा क्या है। जस्ट वेट, कि हम पढ़ रहे हैं लक लाइन क्या होता है, भाग्य रेखा क्या होता है, लक लाइन, सैटर्न लाइन और भाग्य रेखा, ठीक है। देखो, एनी लाइन विच लुक एट द सैटर्न माउंट, जो भी रेखा सैटर्न माउंट पे जाएगी या सैटर्न माउंट को देखेगी, या तो जाएगी या देखेगी, देखो वो कौन सी रेखा हो जाती है? वो भाग्य भाग रेखा या फेट लाइन हो जाती है, करेक्ट। अभी क्या होता है, भाग रेखा तीन बराबर, तीन वैसे भाग रेखा यहां से भी आ सकती है, भाग रेखा यहां से भी आ सकती है, हम भाग रेखा यहां से भी आ सकती है, सुशांत के हाथ में यहां से मंगल से निकली हुई है, बहुत सारी भाग रेखा निकल सकती है, ठीक है। सुशांत का नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि कल हमने उसका चार्ट डिस्कस किया था, तो भाग्य रेखा कहीं से भी आ सकती है, बट ये तीन चीजें आप मेन रखना कि अगर ये पूरे एरिया को, ये पूरे एरिया को अगर तीन बराबर पार्ट में डिवाइड करें तो यहां से जो निकलेगी बिल्कुल लाइफ लाइन के बगल से निकलेगी वो फर्स्ट, जो लाइफ लाइन के बिल्कुल बगल से निकलेगी वो सेकेंड, और जो लाइफ लाइन के बिल्कुल थोड़ी दूर से निकलेगी वो थर्ड। तीन तरह की भाग्य रेखा हम अभी पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे बहुत सारी पर ये तीन हो गई। यहां तक क्लियर हो गया? जी हाँ जी सर हाँ, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड थर्ड हम पढ़ेंगे, ये एक्चुअल में भाग रेखा क्या है। इफ लक लाइन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ठीक है, अभी हमने फोटो में देखा फर्स्ट पार्ट, देन इट इज कंसिडर्ड गुड, गुड गिव्स हैंडसम वेल्थ फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की तरफ से उसको अच्छा प्रॉपर्टी मिलेगा, वो इनहेरिटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, फैमिली का बिजनेस भी हो सकता है। मान लीजिए किसी के किसको ऐसा बच्चा था जिसके पिताजी बहुत बड़े पामिस्ट थे, तो अपने उन्होंने अपने बच्चे को सिखा दिया तो बच्चा भी पामिस्ट्री करने लगा, एस्ट्रोलॉजर थे तो एस्ट्रोलॉजी सिखा दिया। मान लीजिए कि लोहे का बहुत अच्छा काम करते थे तो लोहा सिखा दिया, सोने का अच्छा काम करते थे तो अपने बच्चे को सिखा दिया। तो ये पहली वाली लाइन बताता है कि आपको अपने फादर से जो मिला हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक जब आपको है ठीक आपकी वेल्थ, आपकी वेल्थ, वेल्थ कुछ भी हो सकती है, पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कोई लेवल का नॉलेज भी हो सकता है, अगर ये आपको आपके फादर से मिला हुआ है, ठीक है, तो वो फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट हो जाता है कि आपके दादाजी या नाना जी कपड़े की दुकान चलाते थे या कपड़े की मिल थी,
फिर उसके बाद आपके पिताजी ने, फादर ने चलाया, और अब आप चला रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स से जब बच्चों में आता है, ग्रैंड पेरेंट थे, बहुत बड़े पुरोहित थे, पिताजी पुजारी थे, और लड़का भी पुजारी हो गया, तब ये सेकंड पार्ट से आता है। ठीक है, फोटो आपको याद जी होगा, तो फोटो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड पार्ट जो होता है वो थोड़ा काफी ब्रॉड हो जाता है। थर्ड पार्ट से अगर कभी कोई लाइन स्टार्ट हो रही है, तो मान के चलिए कि उस आदमी के जीवन में उसको जो सपोर्ट है वो किसी न किसी लेडी से है। लेडी कोई भी हो सकती है, लेडी मदर भी हो सकती है, लेडी वाइफ भी हो सकती है, लेडी फ्रेंड भी हो सकती है, लेडी सिस्टर भी हो सकती है, लेडी डॉटर भी हो सकती है, कोई रिलेटिव भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, चाची, एनी लेडी, किसी लेडी के सपोर्ट से उसके भाग्य उदय हुआ है। ठीक है, समझ में आया?